सेवेंथ आज का हमारा टॉपिक है बेटा सर्चिंग अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को किस तरीके से सर्च करना है, तो आपको सबसे पहले फॉर्म पे क्लिक करना है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। फॉर्म के अंदर क्राइटेरिया का ऑप्शन होता है सबसे फर्स्ट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ पर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी डेटा चाहते हैं उसका यहाँ पे नेम एंटर कीजिए। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से जो है आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका डिलीट अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड डिलीट किस तरीके से करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेविगेट टू डिज़ायर्ड रिकॉर्ड यूजिंग फाइंड नेक्स्ट फाइंड प्रीव्यू। आप इन दोनों बटन में से कोई भी एक यूज़ कीजिए। आपको प्रीवियस करना है तो प्रीवियस कीजिए, नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है और क्लिक ओके टू परमानेंटली डिलीट रिकॉर्ड फॉर्म। तो आपका जो है डेटा जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर्स में कर सकते हैं। आप अपना डेटा किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ए टू जेड और जेड टू ए। ये फीचर भी आपको आपके एमएस एक्सेल में प्रोवाइड होता है। आप इनकी हेल्प से जो है फॉर्म में डेटा डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं।